हेलो फ्रेंड, खुश आमदीद। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम कैटेगरी को अपडेट करेंगे और डिलीट भी करेंगे साथ साथ। कैटेगरी को जो अपडेट करेंगे हम, वो इसी में फॉर्म में चेंज करके करेंगे। तो चलते हैं अपने कोड एडिट की तरफ और शुरू कर लेते हैं। यहाँ पर ये जो आप ऑल कैटेगरी डिस्प्ले देख रहे हैं, यहाँ पर हमें अभी सबसे पहला काम तो इनको लिंक देना है और इसमें आईडी सेट करनी है। तो यहाँ पर हम जाते हैं, ये देख लें आप, यहाँ पर ये हमारा कैटेगरी हमारी जो आ रही है यहाँ पर तमाम वाइल लूप में, और यहाँ पर ये एडिट का बटन है, डिलीट का बटन है। इसी में हम एंकर टैग यूज करके इसको लिंक बना लेंगे। और यहाँ पर मैं जो हमारा ग्लोबल सर्वर वेरिएबल है, जो कि पीएचपी माई सेल्फ पीएचपी सेल्फ के जरिए हम उसको URL यहाँ पे गेट कर लेंगे अपने पेज का, और यहाँ पर कंकेटिनेट कर देंगे क्वेश्चन मार्क के साथ कैट। यहाँ पर क्योंकि एडिट है तो हम यहाँ पर मैं कैट एडिट कर देता हूँ, और जो हमने वेरिएबल गेट करना है URL बार में, वो कैट एडिट का नाम दे दूंगा उसको। और इसी के साथ साथ मेरे को यहाँ पर इसी कैट एडिट के वेरिएबल में जो है आईडी चाहिए, तो यहाँ पर आईडी गेट कर लूंगा मैं। तो यहाँ पर मैं डॉलर रो के जरिए यहाँ पर कैट आईडी जो है गेट कर लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड, अब हमें यहाँ पर आईडी मिल रही होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ URL बार में रिफ्रेश करके। यहाँ पे देख लेंगे लिंक बन रहा है, नीचे भी आपको दिख रहा होगा और यहाँ पर भी ये देखें, अब हमें ये कैटेगरी मिल रही है एडिट पे। अब हमें इसका डिलीट का भी बना लेते हूँ, इसी को कॉपी करके थोड़ा सा चेंज करना पड़ेगा इसमें। और यहाँ पर मैं कैट एडिट की जगह कैट डेल कर देता हूँ और यहाँ पर एंकर को क्लोज कर देता हूँ। और डिलीट के फंक्शन में फ्रेंड्स हमें एक और काम भी करना है, क्योंकि डिलीट में अगर किसी चीज़ को हम डिलीट करें और जस्ट वन क्लिक पे हमारा वो चीज़ डिलीट हो जाए, तो ऐसा हो सकता है कि गलती से हमारे सारे जो है आइटम वो डिलीट हो जाएं। तो हम उसको प्रिवेंट करने के लिए यहाँ पर मैं इसी में एंकर टैग के अंदर ऑन क्लिक का इवेंट यूज़ करूँगा, और उसमें मैं ये जावा स्क्रिप्ट यूज़ करने वाला हूँ। तो यहाँ पर उसको यूज़ करने के लिए, क्योंकि यहाँ पर वो इस तरह से यूज़ हो नहीं सकेगा, ये देखें मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ। यहाँ पर मैंने सिंगल कोटेशन मार्क ले लिए और अब यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ रिटर्न, और यहाँ पर कंफर्म का जो हम जावास्क्रिप्ट का वो इवेंट ले लेंगे, और इसके अंदर जो कोड है वो मैं लिख देता हूँ, सॉरी मैसेज। ठीक है, आर यू श्योर टू डिलीट इट? तो यहाँ पर ये मैसेज मिलेगा, और अगर हम उसको ओके करेंगे तो ही हमारा जो है आगे कोड रन होगा, अदरवाइज हमारा कोड रन नहीं होगा। तो मैं पहले आपको दिखा देता हूँ, ये अभी फिलहाल वर्क नहीं करेगा। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ और मैं डिलीट, यहाँ पर कुछ देखें, यहाँ पर ये इसने एरर दे दिया। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ पर ये जो हमारा ऑन क्लिक है और इक्वल्स टू का साइन है और कोमा से सिंगल कोटेशन से पहले मैं यहाँ पर एक स्लैश लगा दूंगा, और इसके बाद यहाँ पर जहाँ पर ब्रैकेट क्लोज हो रहा है और सिंगल कोटेशन मार्क है, उसके बाद उसके अंदर ही यहाँ पर मैं एक ब्रैकेट और स्लैश और लगा दूंगा। और अब आप देखिएगा, मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें हमारा ये अब आ गया है यहाँ पर, और मैं क्लिक करता हूँ तो हमें यहाँ पर ये बॉक्स भी मिल रहा है, अदरवाइज हमें ये बॉक्स नहीं मिलता। अगर क्योंकि देखें यहाँ पर सिंगल कोटेशन मार्क है, अगर मैं यहाँ पर डबल भी लगा दूंगा तब भी ये काम नहीं करेगा। मैं आपको करके भी दिखा देता हूँ, ये देखें मैं यहाँ पर डबल लगा रहा हूँ और यहाँ पर भी डबल लगा देता हूँ, और अंदर जो है इसके सिंगल लगा देता हूँ, क्योंकि जहाँ डबल होता है वहाँ अंदर सिंगल होना चाहिए। अब आपको मैं देखें, अब मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ, यहाँ देखें आपको नजर आ ही रहा होगा, ये देखें। तो इसी वजह से मैंने वो बैक स्लैशेस लगाई हैं, तो ये ज़रूरी है क्योंकि हम इको के अंदर और वाइल्ड लूप के अंदर इसको ले रहे हैं, तो ये ज़रूरी है। ठीक है फ्रेंड, अब इसका जो है ये हो गया सही।
अब इसका डिलीट का कोड भी लिख लेते हैं। तो मैं ऊपर जाता हूँ टॉप पर, और यहाँ पर हमें जो आईडी गेट हो रही है कैट डेल की, जो वेरिएबल गेट हो रहा है, उसको हम इफ कंडीशन के जरिए चेक कर लेते हैं। अगर वो हमें मिलेगा तो ही हम आगे अपनी क्यूरी रन कर पाएंगे। तो डेल सॉरी कैट डेल, और डिलीट फ्रॉम कैटेगरी वेयर कैट आईडी, जो हमारा कॉलम है उसमें कैट आईडी है, यानी कैटेगरी आईडी है, तो वो बराबर होगी जो हमें गेट हो रही है आईडी एंकर टैग के थ्रू यूआरएल बार में, तो वो यहाँ पर हम उसको इसके बराबर चेक कर लेंगे। और हमें रिजल्ट अगर मिलेगा तो रिजल्ट हम ले लेते हैं यहाँ पे। और रिजल्ट में क्योंकि हमारी माई एसक्यूएल की क्वेरी आएगी, तो मैं यहीं से कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसको यहाँ पर एसक्यूएल क्वेरी को यहाँ पर चेंज कर देता हूँ जस्ट, और इसमें इफ की कंडीशन लगा देता हूँ और चेक करता हूँ कि अगर हमारी ये कंडीशन टू, ये रिजल्ट वाली रिजल्ट डेल, तो हमारे को मैसेज आ जाएगा जो ग्रीन मैसेज है, यानी कि सक्सेस का मैसेज है। ठीक है फ्रेंड, अब इसको चेक भी कर लेते हैं, रिफ्रेश करता हूँ मैं। और यहाँ पर आप देखिए, मैंने पहले किया और इसको कैंसिल कर दिया, तो कुछ नहीं होगा। मैं रिफ्रेश करके भी आपको दिखा देता हूँ, कुछ नहीं हुआ। अब मैं इसको ओके कर दूंगा, ये देखें कैटेगरी डिलीटेड, और हमारा यहाँ से कैटेगरी भी डिलीट हो चुकी है। अब बाकी हम जो है इसको अब अपडेट पे चलते हैं। तो फ्रेंड, हमें जैसे ही यहाँ पर हम जब एडिट पे क्लिक करेंगे, तो हमें यहाँ पर एडिट कैट एडिट आईडी मिलेगी, तो हमने उसके जरिए यहाँ पर चीज़ों को चेंज करना है। तो हम यहाँ पर आ जाता हूँ मैं यहाँ में नीचे, और जैसा कि हमारा यहाँ पर एक फॉर्म है, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये फॉर्म, और इसका ये सबमिट बटन है ये वाला ऐड कैटेगरी का। तो मैं यहाँ पर आपको सबसे पहले जो है इसकी कंडीशन में ये लगा कर दिखा देता हूँ। मैं यहाँ से ये वाली कंडीशन कॉपी करके इसमें चेंज कर लेता हूँ, और यहाँ पर पीएचपी भी लगाना पड़ेगा। यहाँ पर मैं इसको इसको कराता हूँ। और एल्स में आ जाएगा हमारा सेकंड पार्ट। अब हमें जो है यहाँ पर चेंज करना है कि अगर तो हमारी आईडी कैटेगरी आईडी जो है वो एडिट होती है, गेट होती है, तो यहाँ पर मैं इसको एडिट कर देता हूँ, और इस वैल्यू को भी एडिट कैटेगरी कर देता हूँ या अपडेट कर देता हूँ, अपडेट कर देता हूँ। ठीक है, अब यहाँ पर देख लेता हूँ, यहाँ पर कहाँ 69 का कोई शेयर है। अच्छा, यहाँ पर मैंने पीएचपी क्लोज नहीं किया। अब देखें अपडेट कैटेगरी की, हमें कैट आईडी मिल रही है। अगर मैं हटा देता हूँ तो देखें ऐड कैटेगरी, और अगर मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो ये देखें अपडेट कैटेगरी का हम बटन मिल रहा है अपडेट का। इसी तरह हम यहाँ पर भी चेंज कर लेंगे। तो इसी कंडीशन को मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, बल्कि पूरी ही कर लेता हूँ, बाकी इसमें फिर हम चेंज कर लेंगे। मैं इसको इसी को कॉपी करके यहाँ पे डाल दूंगा। ये जो फॉर्म है आपको नज़र आ रहा है, और यहाँ पर इसे एल्स की कंडीशन यूज़ करूँगा मैं। तो पहले यहाँ से मैं इसकी कंडीशन यूज़ कर लेता हूँ। देखिए यहाँ पर जब हमें कैटेगरी एडिट जो है मिलेगा यूआरएल बार में, तो हम
यहाँ पर इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ एल्स पार्ट में, और नीचे जो है हम अपना ये इफ पार्ट मैंने यहाँ से क्लोज कर दिया। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका जो ब्रैकेट है वो ओपन है, तो ये जो हमारा ये वाला डेटा है इसमें आ जाएगा। और नीचे मैं फिर पीएचपी को शुरू कर लूँगा और अपना एल्स पार्ट बनाऊँगा, और जो इसका पी इफ का जो हमारा ब्रैकेट ओपन है उसको यहाँ पर क्लोज कर दूंगा, और यहाँ पर एल्स की कंडीशन लगा दूंगा, और ये एल्स को भी यहाँ पर जो इसका ब्रैकेट ओपन है उसको मैं यहाँ पर क्लोज कर दूंगा पीएचपी को, और इसका जो ब्रैकेट है वो ओपन रहने दूंगा। और यहाँ पीएचपी की स्टेटमेंट के बाद में ये जो ऊपर वाला हिस्सा है इतना पार्ट है इसी को कॉपी करके नीचे भी डाल दूंगा, और यहाँ पर नीचे एल्स पार्ट भी क्लोज कर दूंगा। ये ब्रैकेट क्लोज हो गया। अब ये नीचे वाले को मुझे एज इट इज रहने देना है, और ये ऊपर वाले को मैं अपडेट कैटेगरी कर दूंगा, और यहाँ पर इसकी वैल्यू ले लेंगे जो कैटेगरी का नेम है उसमें पीएचपी के जरिए हम वैल्यू ले लेंगे कैटेगरी नेम की। जो हमारी कैट का नेम आ रहा होगा, और अब ये हमें कहाँ से मिलेगा, ये हमें अभी हम क्रिएट करेंगे स्टेटमेंट, तो मैं यहीं पे स्टेटमेंट क्रिएट कर लेता हूँ ये जो इफ का पार्ट है इसी में ही। तो हमें एसक्यूएल की बेसिक बेसिक स्टेटमेंट बनानी है, तो मैं यहीं से नीचे से कॉपी कर लेता हूँ, और यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ उसको, और यहाँ से वाइल लूप हटा देता हूँ और ये इसकी कंडीशन हटा देता हूँ, और इसको 1 1 कर देता हूँ, सब में 1 7 लगा देता हूँ क्योंकि डुप्लीकेट ना हो, और इधर भी 1 लगा दूंगा कैटेगरी नेम जो रो वैल्यू डाली है। ठीक है, अब यहाँ पर मुझे कंडीशन लगानी है सेलेक्ट ऑल फ्रॉम वेयर कैटेगरी वेयर कैट नेम कैट आईडी सॉरी डॉलर गेट कैट एडिट उसका डेटा हमारा इस रो वेरिएबल में आ जाएगा, और फिर हम उसको यहाँ पर कॉलम उसके यहाँ पर इको करा लेंगे। तो इसी तरह यहाँ पर मुझे नीचे भी चाहिए होगा ये जो कि कैट टाइप के लिए होगा कैटेगरी टाइप के लिए, और इसको ठीक है। अब ये पार्ट हो गया हमारा यहाँ का, और ये नीचे का हो गया ऐड का, और ये ऊपर हो गया अपडेट का। मैं आपको एक दफा इसको दिखा भी देता हूँ, मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को, और अभी देखें आप यहाँ पर कुछ इस तरह से दिख रहा है। और अब जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूँ तो यहाँ देखें अपडेट कैटेगरी भी हो गया, कैटेगरी का नेम भी आ गया, चेंज करके देखते हैं। ये देखें टाइप भी इसकी आ रही है। अच्छा, कैटेगरी टाइप में मैंने वो करना भूल गया नेम, तो वो नेम ही आ रहा है उसकी जगह। ये देखें ठीक है, तो अब हमने क्या करना है इसको अपडेट भी करना है, तो यहाँ पे मैं जाता हूँ ऊपर अपडेट की क्वेरी कर लेते हैं। तो पहले हमारा जो था अपडेट कैटेगरी था, तो अब जो है इसको मैं अपडेट ही कर देता हूँ, एडिट के बजाय जी भी लग रहा है। अपडेट कैटेगरी पे जब हमारा क्लिक होगा तो उस पे हम यहाँ पर अपडेट की क्वेरी चलाएंगे, तो मैं ये सारा पार्ट यहाँ से जो इंसर्ट के लिए लिखा था कॉपी करके यहाँ पेस्ट कर लेता हूँ, और इसमें कुछ चेंजेस कर देते हैं। यहाँ पर अपडेट कैटेगरी आ जाएगा जैसे इस पे पोस्ट होगा, और यहाँ पर कैटेगरी नेम को हम चेक करेंगे कि एमपी तो नहीं है, अगर नहीं होगा तो, और अगर होगा तो हम यहाँ पर लिख देंगे कैटेगरी नेम इज रिक्वायर्ड। ठीक है, और बाकी में बाकी यहाँ पर मैं ये जो एसक्यूएल की स्टेटमेंट है इसको मैं यहाँ पर अपडेट की स्टेटमेंट करूँगा एल्स पार्ट में, और इसको भी ये जो इसका वेरिएबल है INS इससे इसको मैं चेंज करके अपडेट कर देता हूँ ताकि डुप्लीकेशन ना हो, और यहाँ पर मैसेज में आ जाएगा कैटेगरी अपडेटेड।
यहाँ पर अब हमसे एसक्यूएल क्वेरी में क्या लिखना है, यहाँ पर जो अपडेट की क्वेरी लिखनी है हमें, अपडेट कैटेगरी सेट, जो कैटेगरी नेम है कॉलम उसको सेट करना है। तो यहाँ पर डबल कॉमा और कैटेगरी नेम, यहाँ पोस्ट आएगी और कॉमा लगा के हम सेकंड जो हमारा टाइप है वो ले लेंगे, इसी को चेंज करेंगे और आखिर में हम इसको यहाँ पर वेयर की कंडीशन लगाएंगे, वेयर कैट आईडी इज इक्वल्स टू जो हमें गेट हो रही है आईडी उसके बराबर हो। जो हमें गेट हो रही है कैट एडिट यू आर बार में उसके बराबर हो। तो जब ये हमारा ट्रू हो जाएगा तो कैटेगरी अपडेट का मैसेज हमें मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब इसको मैं चेक करवा देता हूँ। अब मैं यहाँ पर नीचे वाली पे क्लिक करता हूँ और यहाँ से इसको फॉर्मल कर देता हूँ और इसकी कैटेगरी में वुमेन कर देता हूँ और अपडेट करता हूँ। देखें ये अपडेट भी हो गया और यहाँ से भी चेंज हो चुका है। मैं इसको दोबारा आपको करके दिखाता हूँ। गौर करिएगा यहाँ पर, ये देखें, और डिलीट भी हम कर सकते हैं, ये देखें। तो उम्मीद है फ्रेंड वीडियो आपको समझ आ गई होगी, अच्छी लगी होगी, पसंद आई होगी। मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर करें। नेक्स्ट वीडियो के नोटिफिकेशन के लिए नोटिफिकेशन बेल को लाजमी प्रेस करें। तो नेक्स्ट वीडियो जो हमारी होगी वो प्रोडक्ट के ऊपर होगी। तो मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में।